हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम इस ईयर देना चाहते हैं बी फार्मा के लिए, तो एक Q&A वीडियो फ्रेंड, जो कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूँ। तो एक Q&A वीडियो 6 है फ्रेंड, चलिए देखते हैं पहले कॉमेंट को। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले कमेंट को। तो पहला कमेंट है फ्रेंड्स पूनम वानखेड़े का, इनका क्वेश्चन है सर वो पेपर इंग्लिश में है या मराठी में। तो इनके कहने का मतलब है जो CUET एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश में होगा या मराठी में। तो पूनम जी, आपने फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा एग्ज़ाम पैटर्न में, मराठी या इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज, उसी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग एक बार आप अपने एडमिट कार्ड पर एक बार चेक कर लीजिए, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सोभी मिश्रा का, इनका क्वेश्चन है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये कहाँ से पता चलेगा, और इसी क्वेश्चन का दो क्वेश्चन है, और क्या बी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम में जनरल टेस्ट भी होगा या सिर्फ PCB, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसका पता तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई मॉडल पेपर वगैरह भी जारी नहीं है। हाँ, आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन है, तो नहीं करेक्ट बताएगा, लेकिन हाँ वहाँ पे आपकी तैयारी टेस्ट करा रहा है। साथ ही आप YouTube पर कुछ रिएक्शन वगैरह के वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स से पूछी जा रही है क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप वहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे वहाँ पर स्टूडेंट अपना जवाब दे रहे हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया है। और अगला क्वेश्चन जो आपका है बी फार्मा में PCB या जनरल टेस्ट भी होगा, तो आपने फॉर्म भरते समय अगर PCB सेलेक्ट किया होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर साथ में आपने जनरल टेस्ट भी सेलेक्ट किया होगा तो वो भी होगा। तो ये मैटर करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, अगर आपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज सेलेक्ट किए होंगे तो आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर पहले से लिखा होगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अर्पिता राय का, CUET का एग्ज़ाम जो लोग बी फार्म के लिए फिल किए हैं उन लोगों का एग्ज़ाम कब है, Phase 2 में है अभी फार्मेसी वालों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना। हाँ, तो अभी बी फार्मेसी वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET में नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि Phase 2 में ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जुलाई के लास्ट से लेकर अगस्त के लास्ट से चलेगा। बाकी आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा के देख लीजिए, उस पर कंफर्म आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है रिशु सिंह का, तो इनका क्वेश्चन सर क्या बी फार्मा में पेपर हिंदी या इंग्लिश में भी आएगा। तो जो बी फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर होगा, तो मैंने हर वीडियो में आपसे बताया है कि आपने जो लैंग्वेज एग्ज़ाम देने के लिए सेलेक्ट किया है उसी में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने हिंदी में सेलेक्ट किया है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा तो इंग्लिश में होगा। तो एक बार आप लोग अपना एडमिट कार्ड अपना निकलवा के देख लीजिए आपने किस में सेलेक्ट किया था, तो उस पर कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस में होगा। तो आपको तो फॉर्म भरते समय ये सब चूज किया होगा, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिमा कुशवाहा का, सर मैथ का क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन कैसे कराऊं, मैथ मुझे कुछ खुद ही नहीं आता। तो मैथ का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे मैथ के क्वेश्चन कराए जाते हैं, बाकी अपने नोट्स से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ का, क्योंकि मैथ वगैरह का क्वेश्चन कराने के लिए समय भी नहीं है और वहाँ पे MCQs में मैथ चल भी नहीं पाते हैं, इनको डिटेल में अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है मैथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला है वही क्वेश्चन है मतलब डी फार्मा के लिए, सर गणित के प्रश्न भी डी फार्मा में पूछे जाते हैं। हाँ, तो डी फार्मा में गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े होंगे तो। अगला है सुमन पांडे का, सर हमको
हल करके बताएं सभी क्वेश्चन। तो सुमन जी, अब हल करने का समय तो नहीं रहा, क्योंकि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत 10-15 दिन और बचे हैं, तो उसमें जितना हो सके आप MCQs वाले क्वेश्चन और अपने नोट्स से ही प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब जो समय बचा था तो आपने नहीं किया, या किया होगा तो आपने पहले नहीं देखा, लेकिन अब तो समय नहीं बचा, आप जितना हो सके अपने नोट्स से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है सभी क्वेश्चन को हल करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने हज़ारों क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनकी तो प्रिपरेशन अच्छे हुई होगी, जो बाद में जुड़े उनका तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ अब जितने भी चैनल पर वीडियो डाल दिए गए हैं आप ज़्यादातर हो सके तो मॉडल पेपर के पूरे वीडियो देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है रोहित का, सर ए बुक में मॉडल पेपर भी वो मुझे सेंड कर दीजिए। तो इनका कहना का मतलब है, जो मैंने एक बुक की वीडियो फ्रेंड्स बनाई थी उसका ये मॉडल पेपर मांग रहे हैं, तो मैं आपको कहाँ पे सेंड करूँ टेलीग्राम में देख लीजिए, वहाँ पे शायद अपलोड होंगे सभी बुक के PDF, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपके दे दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको हेल्प हुई होगी। तो फ्रेंड्स, आपका अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अपने CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से पूरी कीजिए, और टेलीग्राम पे PDF डाल दिए गए हैं तो वहाँ से आप लोग PDF भी चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।